हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटोमैनिक में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए यूनिक लेकर आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकर आए, और आज की इस कड़ी में एक्सक्लूसिवली हम लोग आपके लिए लेकर आए 20 किलोवाट 96 वोल्ट लिक्विड कूल्ड PMSM मोटर एंड कंट्रोलर सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला, ये जो पूरा पूरा मोटर कंट्रोलर और लिक्विड कूलिंग अरेंजमेंट है, ये 20 किलोवाट का है, जो कि 96 वोल्ट ऑपरेशन वोल्टेज पे काम करता है। और चूंकि इतनी हाई पावर मोटर है, तो इसी के लिए इसके साथ आपको पूरा पूरा लिक्विड कूलिंग अरेंजमेंट भी मिलता है, जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस होती है इतने हाई पावर पर, उसको इफेक्टिवली रिमूव किया जा सके, उसको इफेक्टिवली कूल डाउन किया जा सके। ये जो पूरा मोटर कंट्रोल सिस्टम है, मैसिव पावर एप्लीकेशन के लिए, इसको आप हाई पावर इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स में यूज कर सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। काफी हाई परफॉर्मेंस का सिस्टम है और काफी ड्यूरेबल सिस्टम है, चूंकि पूरा पूरा लिक्विड कूल सिस्टम है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना केवल हम लोग आपको पूरे सिस्टम के बारे में, पूरे पार्ट्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, बल्कि इसको आपको लाइव रन करके भी बताएंगे और इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो दोस्तों, हम लोग ये बात करते हैं कि आखिर हम लोगों को मोटरों में लिक्विड कूलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, उसमें होता क्या है कि ये जो जितनी भी हाई पावर की मोटर होती है, जैसे कि ये 20 किलोवाट की आपकी PMSM मोटर है, जो कि इतने हाई वोल्टेज यानी कि 96 वोल्ट पे काम करती है, तो उस कंडीशन में इनमें जो होता है हीट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि साइज काफ़ी कॉम्पैक्ट है और इतनी सारी हीट को निकालने के लिए एयर कूलिंग जो होती है सफिशियंट होती नहीं है, और इसलिए इतनी सारी हीट को निकालने के लिए आपको लिक्विड यानी कि वाटर सॉल्यूशंस की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आपकी मोटर में से हीट नहीं निकलेगी, तो और मोटर कंटिन्यूसली हीटिंग में चलती रहेगी, हाई हीटिंग में चलेगी, तो आपकी मोटर की ना केवल इफिशियंसी कम होगी, बल्कि उसकी जो लॉन्ग रनिंग है उस पर भी इफेक्ट आएगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी इफेक्ट आएगा। बहुत सारी मोटरें जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की है, कम पावर की रहती है, इंडक्शन मोटर रहती है, हाई परफॉर्मेंस की है, लेकिन चूंकि उसकी हीटिंग को बराबर निकाला नहीं जा सकता, उनकी कूलिंग बराबर नहीं होती है, इसलिए या तो वो आधे घंटे के चलने के बाद, सिर्फ आधे घंटे के बाद, या तो उनका पावर डिग्रेड हो जाता है और 10-15 मिनट के बाद वो ट्रिप हो जाती है। लेकिन इन लिक्विड कूलिंग मोटरों की कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए बनी होती है, इसको आप आधा घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा कंटिन्यूस चला सकते हैं, इसलिए लिक्विड कूलिंग बहुत जरूरी होती है। अब देखिए, मैं आपको मोटर से शुरुआत करता हूँ। यहाँ पर आप मोटर देख रहे हैं, ये लिक्विड कूल्ड मोटर है 20 किलोवाट की, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो ऊपर की बॉडी है, ये आउटर शेल है जिसमें कि लिक्विड कूलिंग फ्लो होता है, और इनर शेल में आपका मोटर अंदर रहती है। यहाँ पर सामने आपको 4 माउंटिंग बोल्ट मिलते हैं और एक आगे स्प्लाइन शाफ्ट है, जिसको कि आप अपने किसी भी व्हीकल के पार्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, गेयरबॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ये उसका पीछे का बैक साइड है, यहाँ पर 3 फेस वायर आपको निकलते हुए दिख रहे हैं और एक सेंसर वायर आ रहा है। तो ये पूरा ये है मोटर का, और ये नीचे आपको जो दिख रहे हैं ये कनेक्टर्स हैं, इसमें इनलेट और आउटलेट है लिक्विड का, यहाँ से आपका लिक्विड अंदर जाता है और मोटर के अंदर चारों तरफ सर्कुलेट करता है और जितनी भी हीट जनरेट होती है उसको निकालता है। अब बात कर लेते हैं कंट्रोलर की। ये देखिए, यहाँ पर आप कंट्रोल देखिए, 3 फेज का कंट्रोलर है, 96 वोल्ट का काफ़ी हाई करंट कैपेसिटी का कंट्रोलर है। आप साइज से देख सकते हैं, इस कंट्रोलर में भी लिक्विड कूलिंग रहती है, अंदर की तरफ वाटर फ्लो होता है और इसमें भी इनलेट आउटलेट पोर्ट रहते हैं। और यहाँ पर जो अभी आप कनेक्शन देख रहे हैं, फिलहाल हम लोगों ने टेम्परेरी कनेक्शन किए हुए हैं, इसको हम लोग फाइन ट्यून करेंगे, प्रॉपर ड्रेसिंग करने के बाद काफ़ी आपको एस्थेटिक कनेक्शन हो जाते हैं ये। इसके बाद बात करें तो एक और एसेसरीज की, वो होती है थ्रोटल। ये जो थ्रोटल है ये नॉर्मल थ्रोटल नहीं है, ये जो थ्रोटल है रोलर थ्रोटल है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होता है। यहाँ आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, और काफ़ी हैवी थ्रोटल होता है, और ये है 12 वोल्ट का थ्रोटल। जी हाँ दोस्तों, 12 वोल्ट का थ्रोटल होता है, क्योंकि इसमें जो थ्रोटल ऑपरेशन वोल्टेज हमारे सिस्टम में 12 वोल्ट है। और इसके साथ ये रेडिएटर है, कूलिंग रेडिएटर है, जिसमें कि आप देख रखे हैं ये प्रेशराइज्ड पंपिंग सिस्टम इस रेडिएटर के साथ आता है, जिससे कि आपको काफ़ी हाई प्रेशर से हाई फ्लो का लिक्विड जो होता है वो फ्लो होता है, जिससे कि काफ़ी इफेक्टिव कूलिंग मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इनलेट आउटलेट, और इस पंप में आपको एक फैन के मोटराइज फैन भी मिलता है, जो कि कूलिंग करता है इस रेडिएटर में, जिससे कि काफ़ी इफेक्टिव कूलिंग हम लोगों को मिलती है इस सिस्टम में। तो ये पूरा पूरा रेडिएटर सिस्टम है। अब हम लोग आपको लाइव इस मोटर कंट्रोलर को रन करके दिखाते हैं और इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग वोल्टेज सप्लाई देते हैं। वोल्टेज सप्लाई देने के लिए यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने टेम्परेरी 2 बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया, ताकि 96 वोल्ट की सप्लाई मिल पाए। तो सबसे पहले हम लोग आपको 96 वोल्ट की सप्लाई देकर बताते हैं। तो अब सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करके बताता लाइव। ये देखिए वोल्टेज, यहाँ पर आप देखिए
ये जो वोल्टेज आ रहा है 99.98 वोल्ट है, यानी कि 100 वोल्ट के आसपास अभी दो बैटरियों से डिलीवर हो रहा है। तो ये इसलिए 96 वोल्ट का सिस्टम है। अपर वोल्टेज कट ऑफ जो होता है इसका आपका 120 वोल्ट होता है। अब हम लोग सबसे पहले इस सिस्टम को चला के दिखाते हैं और थ्रोटल प्रेस करते हैं। तो देखिए ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं, थ्रोटल इग्निशन भी डायरेक्ट किया हुआ है। ये देखिए ये हम लोगों ने थ्रोटल प्रेस कर दिया और यहाँ मोटर का आप साउंड सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी स्टेबल मोटर है। अब आपके लिए थोड़ा सा मोटर को रोटेशन को दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक इंसुलेशन टेप भी लगा देते हैं। ये देखिए हम लोगों ने, ताकि आप रोटेशन को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएँ। ये देखिए ये आप देख सकते हैं कि मोटर घूम रही है और इसका साउंड आप फील कर सकते हैं। देखिए किसी तरह का कोई वाइब्रेशन नहीं है इस मोटर में, बिल्कुल स्मूथ मोटर है, कहीं से कहीं तक वाइब्रेशन नहीं है। साउंड लेवल भी आप देख सकते हैं, क्योंकि PMSM है तो काफ़ी कम इसका साउंड है, काफ़ी स्मूथ मोटर है। आपका अगर BLDC से कंपेयर करेंगे तो BLDC में इतनी स्पीड पर बहुत ज़्यादा साउंड होता है, जबकि इसका साउंड काफ़ी कम आ रहा है, जो यही होती है प्योर एक PMSM मोटर की निशानी। तो अब मैं आपको इस लाइव इस मोटर का करंट भी चेक करके बताता हूँ कि करंट कितना लेती है फुल RPM पर। तो ये हमारा क्लेम मीटर आ गया है, अब हम लोग क्लेम मीटर को लगा देते हैं हमारी बैटरी के पावर में। ये हम लोगों ने लगा दिया, इसको जीरो पे सेट कर देते हैं ताकि प्रिसाइज रीडिंग आए। अब हम लोग देते हैं थ्रोटल हमारा, ये देखिए हम लोगों ने थ्रोटल दे दिया, मोटर चल रही है। अब वो देख सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। और देखिए इतने फुल RPM पे भी करीब 3-4 एम्पियर का करंट विड्रॉ कर रही है। इतनी हाई परफॉर्मेंस की मोटर है, पर इसकी इफ़िशेंसी इतनी ज़्यादा होने की वजह से इसकी जो करंट विड्रॉल कैपेसिटी है वो काफ़ी कम है। यहाँ आप देख सकते हैं नो लोड करंट जो आ रहा है 15 किलोवाट PMSM मोटर का सिर्फ 4 एम्पियर है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी हाई इफिशेंसी का यह सिस्टम है। मैं आपको ये भी बता दूँ, इसकी जो पीक इफिशेंसी है वो अप टू 96% है। तो इतनी हाई इफिशेंसी की वजह से आपका पावर कंजप्शन काफ़ी कम होता है, और साथ ही में इसके जो सर्विस ग्रेड है वो काफ़ी हाई सर्विस ग्रेड है, काफ़ी हाईली ड्यूरेबल मोटर है। और जो करंट इसकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी है इस पूरे सिस्टम की 150 डिग्री तक है, यानी कि इसका मोटर और कंट्रोलर 150 डिग्री तक आपके टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकता है, आराम से सह सकता है। वाटर फ्लो जो इसमें चाहिए वो 15 LPM का वाटर फ्लो इसमें पूरा सिस्टम डिज़ाइन है, यानी कि 15 LPM 15 लीटर पर मिनट का इतना हाई वाटर फ्लो होता है। इसकी वजह से इतनी हाई कूलिंग मिलती है, और इतना बड़ा रेडिएटर इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि जब आपकी मोटर हाई पावर पे चलेगी 400 एम्पीयर तक का करंट विड्रॉ करेगी तो काफ़ी सारी हीट जनरेट होगी, और उसको हीट को डिसिपेट करने के लिए ये पूरा वाटर कूलिंग मोटर कंट्रोलर सिस्टम है। ये जो कंट्रोलर, ये भी आप देख सकते हैं, या अंदर पूरी जैकेट्स बनी हुई है जिससे कि लिक्विड कूलिंग होती है, और इसी तरह से मोटर के अंदर पूरी जैकेट्स बनी हुई है जिससे कि वजह से मोटर की भी लिक्विड कूलिंग होती है। और उन वाटर जैकेट्स के थ्रू जो टेम्परेचर होता है आपका वो वाटर में पूरा का पूरा वाटर के थ्रू ट्रांसफ़र होता है और इस रेडिएटर में आता है। तो ये हमारा इस लिक्विड कूलिंग का फ़ायदा है। आगे आने वाले वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम लोग लाइव इसको मोटर कंट्रोलर को आपके सामने किसी गाड़ी में फिट करें, किसी कार में फिट करके इसका लाइव परफॉर्मेंस दिखाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमेशा की तरह आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा की तरह कि प्लीज़ अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।